इस वक्त मौजूद है सिविल हॉस्पिटल में, देख सकते हैं कि यहाँ पर घायलों को लाया जा रहा है एक के बाद एक। जो है यहाँ पर जो स्टाफ है वो जो है कोशिश कर रहा है कि जो घायलों को जल्द से जल्द इलाज के लिए लाया जाए। यहाँ पर एक पुलिस वालों को लाया गया है, ये भी जो है जख्मी है, इनके इनके चोट लगी हुई है, इनको इलाज के लिए लाया गया है। वहीं जो हॉस्पिटल के देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो वार्ड्स हैं उनको खाली करवाया गया है। जो जो यहाँ पर कल हमने देखा था कि एडिशनल जो वार्ड्स बनाए जा रहे थे, इस वक्त उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हैं अस्पताल प्रशासन ने अपनी तैयारी की हुई थी। और अब यहाँ पर जो मरीज थे उनको जो है एक तरफ शिफ्ट किया गया है और कोशिश की जा रही है हॉस्पिटल को पूरा अलर्ट मोड पर रखने की। जो यहाँ पर पहले से भर्ती मरीज थे उनको अलग रखा गया है, कोशिश की जा रही है कि वो एक तरफ सीमित रहें और जो घायल यहाँ पर आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़, पंचकुला। इस वक्त मौजूद हैं पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पर पहले से ही उस तरीके के इंतजाम किए गए थे और फिलहाल इस वक्त जो यहाँ पर जो स्टाफ है वो जो लगातार कोशिश ये कर रहा है जितने भी घायल यहाँ पर आए उनको सही वक्त पर इलाज मिल पाए, लिहाजा पूरा स्टाफ इस वक्त लगा हुआ है। डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो जो जितने जो है घायल पहुँच रहे हैं यहाँ पर, प्राथमिकता ये है कि पहले घायलों को इलाज दिलवाया जाए और उसी में जो है पूरा स्टाफ लगा हुआ है। और जितने भी घायल यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में घायल यहाँ पर पहुँचे हैं, एक साथ जो है सैकड़ों की संख्या में घायल यहाँ पहुँचे हैं और गंभीर रूप से घायल भी पहुँचे हैं, कई डेड बॉडीज भी यहाँ पहुँची हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि जो लोग जो है घायल हैं उनको इलाज करवाया जाए, उनका इलाज दिलवाया, उनको जो है इलाज दिया जाए। इसके साथ ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक जो वार्ड में नहीं पहुँच पाए हैं उनको बाहर से ही तुरंत इलाज दिया जा रहा है और ये स्टाफ पूरी तरह से कोशिश यही कर रहा है कि जल्द से जल्द इलाज दिया जाए। ये एक और वार्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घायल है उनको एडमिट किया गया है। तो ये पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पर जो लोग घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको त्वरित इलाज दिया जाए, वहीं जिन लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगी है उनको एक साथ जो है इलाज दे करके साइड में कहीं बैठा ला जाए या एक बेड पर ही एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अस्पताल ने जो पहले से तैयारियां कर रखी थी वो यहाँ जरूर देखने को मिल रही हैं। हालांकि बड़ी संख्या में घायल यहाँ पर लगातार पहुँचते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़, पंचकुला। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।